Hey guys, welcome back to your own channel, Priyanka the Pharmacist. Friends, बहुत सारे लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आप रूटीन की वीडियोस ही बनाइए. एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, कई लोग बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं, तो पहले पूछ लेना थोड़ा ठीक रहता है. तो फ्रेंड्स, आज के लंच रूटीन में मैं बना रही हूँ वियान के लिए पनीर की सब्जी, जिसके लिए मैं पनीर की भुज्जी बना रही हूँ. नॉर्मल मसाला भून करके मैंने उसके अंदर सूखे मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, और इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ रही हूँ मैं. उसके बाद फ्रेंड्स, दिन में आज मैंने लोबिया बनाया था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे बच्चों के लिए कितना ज़्यादा हेल्दी है, तो वंस इन अ वाइल तो बना ही लेना चाहिए. तो वही दिन वाला लोबिया आज मैं यूज़ करने वाली हूँ. मसाला अभी पक रहा है अच्छे से, थोड़ा और पकने देते हैं इसको. इन द मीन वाइल अभी मैं रायता तैयार कर लेती हूँ फटाफट से. थोड़ा आज डिफरेंट रायता बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं बूंदी डाल रही हूँ. थोड़ी सी बूंदी बची हुई थी तो पूरा चेंज अच्छी लगेगी. जब हम ड्राई बूंदी डालते हैं ना, तो उससे क्रंची टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है. और सेकेंडली, मेरा सूखा पुदीना और मेरी दही रेडी है. जो मसाला मेरा रेडी हो गया है, उसके अंदर अब मैं ये पनीर डाल रही हूँ. इसको मैंने ग्रेट कर लिया है. फ्रेंड्स, एक्चुअली इसका कई बार होता है कि ना, पनीर घर में कम होता है, या फिर कभी जो है हमारे पास झटपट कुछ बनाना होता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. और अगर पनीर कम हो तो इसका मसाला ज़्यादा बना लीजिए, पनीर थोड़ा कम रखिए, तो भी ये सब्जी उतनी ही अच्छी लगती है. तो आज मेरे को बिल्कुल भी डिनर बनाने का मन नहीं था, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी से जो है ये सब्जी बना ली. इसको बनाने में ना हार्डली 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है. एंड में इसके लिए धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया. तो फ्रेंड्स, ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है ना, जैसे कि लहसुन, अदरक, धनिया, अगर आप अपने खाने में नहीं डालते हैं तो ज़रूर डालें, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इससे. आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियो के अंदर कि वियान जो है ऑलमोस्ट सब कुछ खा लेता है, तो या फिर ऐसे ही फेक तो नहीं है. तो फ्रेंड्स, सीरियसली वियान हर एक सब्जी खा लेता है, एंड आई एम वेरी लकी. दो इसके पीछे ये रीज़न है फ्रेंड्स, कि मैंने उसको शुरू से ही सब्जियां खिलाने पे जोर रखा, और आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उसको सब्जियां खिलाती ही रहूं. मतलब मैंने उसको कोई ऑप्शन दिया ही नहीं सब्जियों वगैरह के अलावा, कि आप चिप्स खा के पेट भर लो, आप सैंडविच खा के पेट भर लो, या समथिंग लाइक दैट. तो एक कोर जो है ना बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का या फ्रूट्स खिलाने का, एक रीज़न ये भी होता है. सबसे पहला तो है अवेलेबिलिटी, कि अपने घर में फ्रूट्स वगैरह की खूब सारी अवेलेबिलिटी करा के रखें हर टाइम, ताकि बच्चे को अगर स्नैक्स खाने का मन हो तो वो फ्रूट्स के ऊपर मंचिंग कर सके. और दूसरा, जब भी आप सब्जियां वगैरह बनाएं तो उसी में ही मैक्सिमम पोषण डालने की कोशिश करें, ताकि जब बच्चा एक बार में सब्जी खाए ना, तो उसको जब उसको भूख लगी हो, जब उसको पूरी भूख लगी हो, जब वो खाना खाए, तो उस टाइम पे जो हम सब्जी खिलाएं उसी में ही सारा पोषण चला जाए, या उसी में ही सारी सब्जियों की गुडनेस चली जाए. तो रीज़न मेन तो यही है कि इसीलिए वो सारी सब्जियाँ खा लेता है. तो फ्रेंड्स, दिस इज़ समथिंग न्यू दैट आई हैव ट्राइड, कि मैं आपको ऐसे ऐसे बीच में टिप्स भी देती रहूँगी, दैट विल हेल्प मी एंड यू टू कनेक्ट मोर विद ईच अदर, है ना. तो अभी सीन ये है कि काम बहुत सारा पड़ा है, मुझे खाना भी बनाना है, बने को खिलाना भी है, और फिर उसको आज बहुत लेट हो गया, लंच टाइम हो गया ऑलमोस्ट, और वो अभी तक नहाया नहीं है, तो उसको नहलाना भी है. तो लॉकडाउन में ना सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है. कितना भी करो, लेकिन फिर भी टाइम तो ऐसे निकल जा रहा है हाथ से. कई लोगों को लगता होगा कि टाइम नहीं बचता है, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि टाइम ऐसे हाथ से निकल जाता है, सारा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता. तो फटाफट से बिना देर किए काम की तैयारी कर लेते हैं, सो दैट नहीं तो फिर वो स्नैक्स वगैरह खाना शुरू हो जाएगा, फ्रूट्स वगैरह खाना शुरू हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो अभी फटाफट से डिनर लगा देती हूँ. जैसा कि मैंने बोला कि उसको भूख लगी हुई है, तो देखिए रायता लगाया है और सब्जी डाल दूँगी फटाफट से. ये जो पनीर है ना, इससे इसकी हम जितना ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं, इतना शायद हमें किसी चीज़ से भी नहीं मिल सकता. तो मैं तो ज़रूर कोशिश करती हूँ कि किसी भी तरीके से पनीर देने की. तो देखिए, आज मैंने सब्जी में पनीर बना दिया है, रायता बना दिया है, और लोबिया भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, सोयाबीन है. तो इसी तरीके से सिंपल सा डिनर रूटीन है. वियान यूजली जो है ऐसा ही खाना खाता है. तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, और उसको लाइक तो ज़रूर ज़रूर करें. टिल देन, दिस इज़ प्रियंका साइनिंग ऑफ. विल सी यू लेटर. बाय बाय.